बढ़िया हम तो आप सुनाओ और सुनाओ क्या कुछ नहीं बेटा बस काम पे नहीं गई आज ऐसे ही रहा क्यों आज क्यों आप गए नहीं आज ऐसे ही था तबीयत तो ठीक है आपकी तबीयत तो ठीक है बैठी हूँ घर पे दिल भी नहीं लग रहा अच्छा अरे 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 कौन कौन हो गई कौन हो बाबू क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया मैं बहुत लाचार हूँ क्या हो गया आपको मुझे मेरे घर क्यों क्योंकि मैं लड़की जैसी हरकतें करती हूँ ऐसा नहीं बोलते ऐसे क्यों आपको घर वाले ने क्यों निकाला लड़की ऐसी हरकत करते तो घर वाले निकाल देते हैं क्या मुझे नहीं पता मैं तो स्कूल जाती हूँ तो वहाँ पे अगर मैं सूट सलवार पहनने का मन करता है मेरा स्कर्ट्स पहनने का मन करता है तो मेरे साथ के जो मेरे दोस्त हो वो लोग मुझे चिढ़ाते हैं कहते तू ये क्या कर रही है क्या कर रहा है ये अब उन्हें कैसे बताऊँ मुझे जीन्स वींस में बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद मुझे ये भी नहीं पसंद लेकिन फिर भी पहनना पड़ रहा है मुझे घर वाले डांटते हैं आपके घर वालों ने बहुत मारा मुझे कहते हैं कि तू ये लड़की की वाली हरकतें छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे उन्हें कैसे बताऊँ भगवान ने जैसा बनाया मैं तो वैसे ही रहूँगी ना वो तो बेटा सही बोल रहे हो आप घर वालों ने भगवान ने तुम्हें कैसे ही बनाया है पर ये तो आपकी बहुत अच्छी बात है पर क्या बताऊँ आपको मैं ऐसे नहीं होता है घर वाले नहीं वो कर सकते अगर तुम हमारे पास आए हो तो हमारे साथ रहोगे आप तो फिर आपको हमारे पास ही रहना पड़ेगा आपको घर भी नहीं जान देंगे कहीं भी नहीं होता ऐसे होता है समझदार हो ना आप तो आपको पूरे दिन हमारे टेंपल पर रहना पड़ेगा मुझे जब घर से निकाला तो मैं फिर आपको लड़की बनाएंगे आपको फिर आपके बाल बड़े करने पड़ेंगे आपको ऐसे करना पड़ेगा ऐसे होता है और आपको गुरु माँ से मिलवाएंगे गुरु माँ को दिखाएंगे कैसे से ये आई है यहाँ पर जैसे भी है तो हम ऐसे रखते नहीं हैं किसी को ऐसे किसी को रखते नहीं हैं और जैसे गुरु माँ को हम बोलेंगे जब गुरु माँ बोलेगी जब हम आपको रखेंगे मेरे घर वालों ने जब मुझे निकाल दिया अभी तो मैं ठोकरे खा रहा था तो ठोकरे खाते खाते मेरे को वहाँ पे एक आदमी मिला उसने मुझे बताया कि मैं आपके पास आ जाऊँ तो आप मुझे रख लोगे अपने पास नहीं हम नहीं रखते बेटा क्योंकि मुझे आपकी दुनिया पसंद है नहीं हम किसी के बच्चों को ऐसे ऐसे नहीं रखेंगे हम चलो कोई नहीं आप आए हो तो आप रहो अभी गुरु माँ आएंगे हम आपको उनसे मिलाते हैं फिर आपकी बात कराएंगे ठीक है आप परेशान मत हो अभी आप हमारी महफिल में आए हो चलो एक गाने पे हम महफिल जमाती हूँ आई ढोलक वाले भैया क्या कर रहा है ठीक कर रहा है खराब ही रहती है तेरी ढोलक बजा ले ढोलक नाच लड़की एक गाने पे देखो बाड़ो बैठ जाओ बैठो बैठो बैठ जाओ गाओ बेटा माता का भजन गाओ आई माई का भवानी बड़ी दूर रे मैया मेरी आशा ना तोड़ो माई का बड़ी दूर रे मैया मेरी आशा ना तोड़ो ना तोड़ो आशा ना तोड़ो निराशा ना तोड़ो भवानी बड़ी दूर मैया मेरी आशा ना तोड़ो माई का भवानी बड़ी मैया मेरी आशा न तोड़ो मैं कहाँ बसे मैया काली रे भवानी बसे मैया काली रे भवानी कहाँ बसे ए रे मैया मेरी आशा न तोड़ो मैं कहाँ बड़ी दूर मैया मेरी आशा न तोड़ो देखा आपने ऐसे नाचना भी पड़ेगा ऐसे गाना भी पड़ेगा तो पर तुम्हें कुछ नहीं है पर मेरी गुरु माँ आएंगी आप अपने रहो अपने अच्छे से जब गुरु माँ जी आ जाएंगे जब गुरु माँ जी बोल देंगी तो आपकी रह लेना आप ठीक है नहीं मैं ऐसे नाच सकती हूँ हाँ नाच सकती हो पर अभी नहीं जब तक गुरु माँ नहीं बोलेंगे ऐसे हम किसी को नहीं रख सकते हैं आप समझदार हो बैठो चलो कोई नहीं माता रानी अच्छा रखे तुम्हें